नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अपनी जरूरत और जरूरी खर्चों के लिए सभी कमाते भी हैं और हैसियत के मुताबिक इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ये क्रिया हमें सुकून, तसल्ली और सुखद एहसास देती है, लेकिन अपनी कमाई से कुछ हिस्सा निकालकर दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद करना एक बड़े सुकून का एहसास है। इससे दुनिया की कामयाबी तो मिलती ही है, मौत के बाद की आसानियां भी नसीब होती हैं। अल्लाह को खुश रखने का भी यह आसान तरीका है। जकात सेंटर इंडिया की भोपाल शाखा द्वारा रविवार को आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही गई। कार्यक्रम में शामिल मेहमानों ने करीब 110 जरूरतमंद लोगों को जकात की राशि के चेक वितरित किए। गौरतलब है कि जकात सेंटर शहर आसपास के जिलों और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जकात की राशि जमा करती है, बाद में इस राशि के वितरण के लिए लोगों से आवेदन बुलाए जाते हैं। तमाम तहकीकात और भौतिक सत्यापन के बाद लोगों को उनकी जरूरत के लिहाज से पैसा वितरित किया जाता है। कार्यक्रम में मौजूद मेहमानों ने कहा कि इस्लाम इकलौता मजहब है जिसके मानने वाले अपनी हलाल कमाई का 2.5% हिस्सा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। इस्लाम के मुख्य आधारों में शामिल जकात की अदायगी की अनिवार्यता सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए ही की गई है। उन्होंने कहा कि बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के लोग अपनी संपत्ति का स्व आंकलन कर जकात अदा करते हैं। इस राशि से समाज के कमजोर लोगों को आसानी मिल जाती है। जकात सेंटर इंडिया की भोपाल शाखा के सदर शकील खान ने सेंटर की जकात की राशि भेजने वालों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इनकी नियत और मंशा के मुताबिक वास्तविक जरूरतमंद लोगों को जकात का पैसा पहुंचे, इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है। जी, मेरा नाम उमेर सिद्दीकी है, मैं जकात सेंटर का सेक्रेटरी हूं। ये जकात आप जो बांट रहे हैं आज, इसका क्या उद्देश्य है? जी, इसका मकसद ये है कि इस्लाम का एक जिसको हम कहते हैं पिलर है जकात, जिसमें ये है कि जितने अमीर लोग हैं उनसे एक जो है परसेंटेज पे माल लिया जाता है हर साल और वो गरीबों तक पहुंचाया जाता है। और उसका मकसद ये है कि गरीब जो हैं वो भी अपनी गरीबी से बाहर निकल सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आज कितने लोगों को जकात बांटना है? हमारा मकसद आज 145 लोगों को चेक बांटने का था, जिसमें से तकरीबन 120-125 लोग आज यहाँ पर आए। कुछ लोग आने रह गए तो उन्हें हम पहुँचा देंगे। जी, शहरवासियों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जकात जो है वो अपने सही मायने में देखा जाए, उसका सही मीनिंग यही है कि सारे लोग उसको इकट्ठा होकर दें, यानी उसको अपने पर्सनल लेवल पर अलग अलग पहुंचा देना। ये इससे जकात का पर्पस जो है, इससे मकसद जो है यानी गरीबी का खात्मा, वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमारी गुजारिश ये है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म बने कि जहां लोग अपनी जकात इकट्ठी करें, एक ही जगह दें और फिर घर घर जाकर जो ज़रूरतमंद है उसकी पहचान करके, उसकी ज़रूरत का जिसको एस्टिमेट लगा कर उसकी वहाँ पर मदद की जाए। तो हमारा संदेश यही है कि हमें दो तरीके से मदद चाहिए यहाँ पे। तो एक तो डोनेशन से आपकी मदद चाहिए जो हम इन लोगों तक पहुँचा सकें। आप जितनी ज़्यादा देंगे उतने ज़्यादा हम गरीबों तक पहुँच सकेंगे। इस बार भी इस सीज़न में यानी हमने 145 चेक दिए हैं, इसके लिए तकरीबन 350 एप्लीकेशन आई थी। तो ऐसा नहीं होता कि जो एप्लीकेशन आई उसको पहुँचा दिया गया, उसको पैसा दे दिया गया, बल्कि उसका पूरा जायज़ा लेकर उसको देख कर फिर वो एप्लीकेशन आगे बढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों की मदद कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा काम है पूरे शहर के लेवल पे, यानी शहर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ हम नहीं पहुँच रहे। तो इसके लिए हमें लोगों की भी ज़रूरत है। तो आप लोग अपना यहाँ पर आएँ, वक्त दें और हमारे साथ ही इस काम में हमारा मददगार बने। तकरीबन 150-170 फार्म के करीब थे, जिसमें से 120 के करीब, क्यों मतलब भाई, 120 फार्म यहाँ पर जो है आवेदक जो थे उनको बुलाया गया है और डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है चेक का। जी, कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक की मदद की जा रही है? ये देखिए, अलग अलग कैटेगरी में पैसा हम बांट रहे हैं। 20,000 से लेकर 40,000 तक, 50,000 तक हम देने की कोशिश करते हैं और आज भी तकरीबन इतने ही दिए हैं। किस तरह के लोगों को आप ये जकात बांट रहे हैं? जी, असल में क्या है, हमारा कोर फोकस जो है वो उम्मत की माशी बदहाली, उनका अपलिफ्टमेंट है यानी इकोनॉमिकली। तो उस पर जो छोटे छोटे कारोबार हैं, जैसे कोई बेवा है उसे सिलाई मशीन ख़रीदना है तो वह दिलवा देते हैं, कोई फुटकर व्यापारी है जो जूते बेचना चाहता है या ठेला लगाना चाहता है तो 20,000-15,000। और उसके बाद फिर हम एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, स्कॉलरशिप देते हैं और या उसको मदद करते हैं, तो उनके लिए भी फीस भरते हैं फिर कॉलेज की, स्कूल की। तो इस तरीके से मदद कर रहे हैं। साहब, जकात सेंटर इंडिया है, यहाँ पर जो है लोगों से जकात इकट्ठा की जाती है, उसका एक बड़ा अमाउंट हम इकट्ठा करते हैं और जो मिल्लत के अंदर जो
लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ज़कात के मुस्तहिक हैं, उनको हम कारोबार के लिए जो है वो पैसा देते हैं। 10,000 से 30,000 रुपये तक के अमाउंट अभी हमने आज दिए हैं और उनके सर्वे किए जाते हैं कि ये ज़कात के मुस्तहिक हैं कि नहीं, तो उनके घर जाया जाता है और देखा जाता है कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बाद वो उनको वो अमाउंट दिया जाता है और ये अमाउंट हम उनसे वापस नहीं लेते जी। और ये काम तकरीबन हम 3 साल से कर रहे हैं और काफ़ी जो है हमें कामयाबी मिली, सर्वे करने पर लोगों ने जो है कारोबार शुरू कर दिए। अभी तक तकरीबन जो है आज 19 लाख के आसपास जो है हमने अमाउंट जो है कर दिया। क्या क्राइटेरिया रखते हैं इसमें आप ज़रूरतमंदों के लिए? ज़रूरतमंदों के लिए जो असली में जो इस्लाम ने जो चीज़ बताई है कि आप जो है ज़कात जो है किन लोगों को देंगे, कितना उनके पास सोना होना चाहिए, वो ज़कात का मुस्तहिक है कि नहीं, क्योंकि मकान में होना और कारोबार ना होना वो एक अलग चीज़ है ना, कि बाप दादा तो मकान बना के चले गए लेकिन आज उनके पास खाने को है नहीं, तो वो चीज़ों को ख़ास तौर से देखा जाता है कि हम उसका मकान ना देखें, उससे जाके पर्सनली मिले और पता करें कि उसके हालात हैं क्या, तो वो हम सर्वे के अंदर निकाल के देखते हैं, फिर उसके बाद उन्हें वो अमाउंट हम उन्हें दे देते हैं। क्या नाम जी आपका? नाम मेरा नाम मतलू बिलाही है, ज़कात सेंटर में एक खादिम की हैसियत से जो है मैं हूँ। इसके बारे में ये कहेंगे कि बहुत अच्छा काम है ये, जो कारोबार के लिए अपन को दे रहे हैं ये, कि आप कारोबार करिए, ठेला चलाइए, ठेला खरीद लीजिए, माल खरीद लीजिए, माल लगा के बेचिए, तो कोई पैसा वापसी नहीं देना, ये खुद अपनी तरफ से दे रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़कात सेंटर चला रहे हैं। बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, कम से कम 150-200 लोग हैं जिनको इन्होंने पैसा बांटा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। के लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी को ज़रूरत है तो आप इधर आके फॉर्म भर दीजिए, इनसे मुलाकात करिए, इनसे बात करिए आप, तो ये आपका फॉर्म भर देंगे, उसमें आपको है ना कारोबार के लिए या कोई भी कुछ भी काम वगैरह करना है तो उसके लिए आपको पैसा देंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से, कि ये समझिए कि आपके आपका यानी कि जो आप फालतू घूम रहा है या कारोबार नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए आपके लिए ये है ना पैसों का इंतज़ाम कर देते हैं, तो आप उसको कारोबार में लगा दीजिए। पैसा मिला उससे आप क्या करेंगे? मैं उससे साहब एक ठेला बनवाऊंगा, ठेला उसमें माल भर के कुछ भी कारोबार कर लूँगा, ये जो भी सब्जी भाजी फ्रूट वगैरह कुछ भी बेचना है तो उससे अपन कारोबार कर लेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।